प्यार क्यों हुआ, उसका कॉज क्या था, मिले तो मिले तो आप और भी बहुतों से, औरों से प्यार क्यों नहीं हुआ, उसी से क्यों हुआ। यहां पे जाकर के लोग अटक जाते हैं, बट अगर आप देख पाओ तो मजा आएगा, क्योंकि तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए। जो मुझे चाहिए था वो उसमें था। एक दूसरे डिजायर पूरा कर रहे थे ना, तो वही करेक्शन। बिल्कुल सही बात है जी, कुछ ऐसा था जो इसको यहां से मिल रहा था उससे, और इसको उससे मिल रहा था, और वो था जो दोनों को चाहिए था। वो डिजायर्स कहां से आए, उसका कॉज क्या है। अगर आप एक अफ्रीकन कंट्री में पले बड़े हो, एक लड़की हो अफ्रीकन कंट्री में पले बड़े हो, और एकदम से आपके सामने कोई 8 फुट का निग्रो आ जाता है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा, मतलब आपका रिएक्शन क्या होगा अगर आप एक इंडियन हो तो, क्योंकि ऐसी मूवीज देख करके तो बड़े नहीं हुए, अबे ये क्या हो गया। चाहे वो बेचारा वहां पर बड़े इनोसेंटली खड़ा हुआ है, लेकिन आप देखते क्या बोल रहे, ओ शिट ये क्या हो गया, मतलब आपका पहला रिएक्शन होगा डर का। क्लियर है, ये कॉन्शियसली हो रहा है कि अपने आप ही हो रहा है, अपने आप हो रहा है, देखते ही डर लग गया है, आपने डर क्रिएट नहीं किया है, जो अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उसकी वजह से डर लग गया। दूसरी तरफ आपका फेवरेट एक्टर कौन है बताओ जी, कोई लड़की बताओ, ऋतिक है, ऋतिक जैसा कोई बंदा आपके सामने हो, उसकी तरफ आपका पहला रिएक्शन क्या होगा, डर का होगा। क्या होगा इसके बाद में, बहुत सारी इमेजिनेशन क्रिएट हो जाएगी, सब आप कर रहे हो, अपने आप ही हो रहा है, हो रहा है, इस गलतफहमी से बाहर आ जाना कि आप कर रहे हो। बेस्ड अपॉन जैसी आपकी प्रोग्रामिंग है, जैसी आपकी कंडीशनिंग है, जैसी आपकी अपब्रिंगिंग है, जिस कंट्री में आप पले बड़े हो, जिस तरह की मूवीज देख करके बड़े हुए हो, ऋतिक की मूवीज देख करके बड़े हुए हो ना, तो आपके अंदर इस तरह के इमोशंस ट्रिगर हो जाएंगे उस बंदे को देख करके। अब जो लड़के हैं उनकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, कैटरीना, अरे कोई डाउट ही नहीं है। अब अगर सामने से ये जो लड़की ऋतिक 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 कर रही है और लड़के के माइंड में कैटरीना कैटरीना घूम रही है, तो वो लड़की कुछ हद तक कैटरीना से मिलती जुलती है और लड़का ऋतिक से मिलता जुलता है, तो अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्या बैंग बैंग। इसको कहते हैं दोहरी मतलब की बातें। मैंने नहीं करी जी, ऑडियंस है, कुछ भी, जनता जनार्दन है, हमारे माई बाप है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या ये आपका कर्म है, किसका कर्म है, थॉट्स बना रही है ना हमारी मेमोरी। ये जो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर गई, ये इन्फॉर्मेशन किस वजह से गई, क्योंकि सोसाइटी ऐसी ही है,